तो अभी गाइस अपन ने हेलमेट ये वाला सिलेक्ट किया है। अभी देखो ये पैटर्न तो अपने को थोड़ा समझ में आया है, लेकिन देखते और कुछ इसमें से समझ में आता है। और भाई कुछ निकाल रहे अभी अंदर से, साइज बड़ा देखते हैं अभी कौन सा अच्छा रखता है, ये रहेगा कि वो रहेगा। अभी ये एक साइज बड़ा है, सेम ही है। ये वाइजर उसमें फ्री है। अभी ये लगने के बाद थोड़ा कुछ लुक उसका ब्लू कलर का, यहाँ पे साइड में उसका एक इमेज डालूंगा मैं कैसा दिखता है वो। अच्छा ये वो पीछे जो लग रहा है वो सेम वो जो अभी स्पॉइलर दिया है वो ऐसा है। उठा ना जरा। अच्छा पैटर्न कैसा लग रहा है वो जरा बताना फ्रेंड्स। बाकी कलेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग ने यही वाला फाइनल कर लिया है। एक्चुअली पसंद तो ये भी आ रहा था, लेकिन ये डिज़ाइन कुछ थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को, तो यही फाइनल कर लिया है अपने। अभी इसको देखेंगे पहन के बाद में, आज इसका ओपनिंग नहीं करेंगे, कल करेंगे इसका ओपनिंग। तो गाइज हम लोग ने हेलमेट ले लिया है फिलहाल, बस अभी यहाँ से निकलने की तैयारी हाईवे पे। तो अभी गोप्रो काम नहीं करेगा क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, पीछे दिख ही रहा होगा। ये हाईवे है और जस्ट बाजू में बेंटली का शोरूम है और उसके बाजू में ये मॉन्क शॉप है, यहीं से हमने हेलमेट ख़रीदा है। तो ये रहा हमारा हेलमेट और अभी हम निकलेंगे इसे पहन के और मिलेंगे सीधा, कहीं रुकेंगे तो वहाँ बात करेंगे। मैं पहुँच गया हूँ घर पे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ये चला रहा था बाइक का हाईवे पे, वहाँ पे हमें हेलमेट दिखा रहा था और डायरेक्ट कहाँ घर पे आ गया। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं सीधा शॉप चला गया, वहाँ पे मुझे बहुत सारा काम था जो काम के लिए मैं पहले गया था। मतलब मेरा मेन काम वहाँ पे जाने का था, मैं हेलमेट खरीदने नहीं गया था, मैं गया था अपने शॉप के काम से। वहाँ पे कुछ मुझे डिस्प्ले वगैरह लानी थी, तो पहले डिस्प्ले वगैरह ले लिया मैंने, वो सब नहीं दिखाया आपको क्योंकि मुझे वो फटाफट काम ख़त्म करना था और एक हेलमेट लेना था, वो मेरे माइंड में था। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं चला गया वो हेलमेट स्टोर पे जो मॉन्क्स ऑन मशीन करके था, मैंने दिखाया था वो, फिर भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक इमेज वो शॉप का। वहाँ गया फिर तो आपको मालूम ही है, आप देख ही रहे होंगे। तो अभी डायरेक्ट मैं हेलमेट दिखाता हूँ आपको क्योंकि आप वहाँ पे मैंने परफेक्टली दिखाया नहीं दिखाया मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे हम 360 व्यू लेंगे उसका और थोड़ा सिनेमेटिक्स एंजॉय करेंगे। आपको सिनेमेटिक्स अच्छे लगे होंगे। अभी कुछ डिटेल्स दूंगा मैं ये हेलमेट के बारे में।
प्राइस भी बताऊंगा मैं इसको कितने में खरीदा हूँ क्या है। ये हेलमेट हमें वहाँ से 6500 में मिला है। मैंने इसका प्राइस इंटरनेट पे भी चेक किया, काफ़ी वेबसाइट पे भी चेक किया, सब जगह एक ही सेम मिला 6500, कहीं कहीं 100-200 का फ़र्क मिला होगा तो, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह पे मुझे 6500 ही मिला और हमें मिला भी उतने में ही है ये वाला हेलमेट। मैंने काफ़ी YouTube पे भी रिसर्च किया था हेलमेट को, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे माइंड में चल रहा था कि कोई हेलमेट लेना है, अच्छा लेना है। तो ये पैटर्न मैं पहले भी देख चुका था YouTube पे, तो वहाँ पे भी मैंने देखा था कि क्या प्राइस वो बता रहे हैं और अभी ट्रेंडिंग में क्या डिज़ाइन चल रहा है। तो ये डिज़ाइन मेरे को वहाँ पे भी पता, मतलब देखा था, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ वो डिज़ाइन अवेलेबल होगा, मिलेगा कि क्या है, लेकिन जब मैंने देखा और फर्स्ट टाइम में ही मेरे को ये अच्छा लग गया ऐसा। अभी इसका वाइजर वगैरह कैसा चेंज करते हैं ये सब मैं बताता हूँ और इसके साथ क्या क्या आया है। तो ये हेलमेट के साथ हमें मिला है, ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ही आती है ये वाली, इसमें वाटरप्रूफिंग कोटिंग है, मतलब जैसे फॉग वगैरह नहीं जमता, वाटरप्रूफिंग कोटिंग तो क्या ही होता है, प्लास्टिक ही है, लेकिन इसके ऊपर फॉग नहीं जमता है और बारिश में पानी नहीं टिकता है, इतने में ये डिज़ाइन दिख रही होगी। ये इतना सा एक शेप दिया है, उसके ऊपर कुछ अंदर से लैमिनेटेड है क्या है पता नहीं, जिसकी वजह से वो मतलब ये नहीं होता है, फॉग नहीं आता इसके ऊपर। इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे एक लॉक बटन दिया हुआ है, ये देखो ये वाला, तो ये अंदर के इनर ग्लास के लिए मैं बताता हूँ। अभी जब भी ये बटन मैं स्लाइड करूँगा ये वाला ग्लास नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। तो हमें अंदर हाथ डाल के वो बार बार खींचने का ज़रूरत नहीं है, अगर मतलब मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। मेरे पास इससे पहले जो हेलमेट था ना, उसमें बाइक राइड करते करते वो अंदर से निकालने में बहुत दिक्कत होती थी, तो ये एक बहुत इजी हो गया कि मतलब स्लाइड किया तो ऊपर, स्लाइड किया नीचे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, एक नंबर। दूसरी चीज़ है इसमें ये जो पीछे स्पॉइलर दिया है, ये ग्लास जैसा जो दिख रहा है, एक तो ये एक हाथ से व्लॉग बनाना, एक हाथ से सब दिखाना, ये भी तकलीफ़ वाली बात है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसे स्पॉइलर बोलते हैं, ये जो लुक दे रहा है एरोडाइनमिक, ये दो मतलब आते हैं, एक ये साथ में रहेगा और एक और साथ में फ्री है, ब्लैक कलर का छोटा सा, वो ये अलिफ लेला वाले झूले में है, मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या आया है। तो अभी बारी आ गई है अलिफ लेला का झूला खोलने की, खोलते इसे। देखो यही है वो स्पॉइलर, ये ब्लैक कलर में छोटा सा है, लेकिन ठीक है, मेरे को ये पसंद नहीं आया, मेरे को वही वाला पसंद आया। इसमें दिया है ब्लड ग्रुप के स्टिकर्स, अच्छी बात है, ये उनका ब्रांडिंग है एक्सर करके, और ये लोगो दिया है साथ में, किसी को पसंद हो तो लगा सकता है, ना पसंद हो तो निकाल भी सकता है ऐसा। तो मैंने अभी तक नहीं लगाया, ये एज इट इज़ रखा है और खुल जा सिम सिम, अंदर से क्या निकला क्या निकला, आठ खाली थैली आई है। ये है एक्स्ट्रा वाइजर, ये मर्क्यूरी है, ये इसे लुक में बहुत प्यारा दिखता है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन इसमें है ना नाइट विज़न में बहुत तकलीफ़ आती है, इसीलिए मैं ये इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको, तब तक इसको साइड में रखते हैं। खत्म हो गया भाई सब कुछ, ये खाली हो गया। साथ में ये बैग है जिसको हम लटका के घूम भी सकते हैं। इसके साथ बॉक्स आया, बॉक्स में ही ये सब था, लेकिन वो बॉक्स मैंने मतलब साइड कर दिया था, बहुत स्पेस ले रहा था। तो इसका ये वाला वाइजर निकालना बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ इसका ये लॉक ऊपर करना है, जितना हो सकता है मैक्सिमम ऊपर खींच लेना है इसको। उसके बाद साइड में एक ये रेड वाला बटन दिया है, इसको जस्ट हमें पुल डाउन करना है, मतलब ये नीचे इसे खींच लेना है और उसके बाद इसको बाहर की तरफ खींचना है। ये देखो ये ऐसे बटन पकड़ा है मैंने और इसको जस्ट ऐसे बाहर की तरफ खींच लोगे तो ये
बाहर आ गया। ऐसे हमें दोनों साइड का निकालना है, मुझे वो फिट नहीं करना है इसीलिए मैं यही रखूँगा। तो मैंने जस्ट एक टेक्निक बताया क्योंकि मैंने दो तीन वीडियो देखे यूट्यूब पे, उसमें प्रॉपरली बताया नहीं था, उन्होंने निकाल दिया और लगा दिया। तो ये कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा इसे लोगों को, इसे इजी है, कोई बड़ा ये नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है नहीं। तो ये ऐसी मतलब एकदम इजी है ऐसा, इसको अभी ऐसे रख देंगे और मार देंगे ऐसे तो ये फिट भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसीलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है आपने तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें वरना अनसब्सक्राइब हो जाओगे वापस। तो सब्सक्राइब ही रहना है हमें और आगे तक देखना भी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर में एडिटिंग में जाता है, फिर इतनी लेट नाइट शूट करते हैं हम, तो प्लीज़ इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो। बाय।